हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियोस में बताया था कि मैं सभी सब्जेक्ट्स के जो डाटा प्रैक्टिस सेट्स जो है वो डेली का डेली जो डाटा मैं डालता रहूँगा, उसी क्रम में मैंने आज इंग्लिश का जो है पहला वीडियो यूपी टेट के जो डाटा सिलेबस के अनुसार जो डाटा अपलोड किया है। इसमें मैंने जो है सबसे पहला टॉपिक जो है जेंडर चूज किया है, जो कि सबसे ईजी टॉपिक जो है वो है। ये एक प्रकार से समझ सकते हैं कि नाउन का ही जो डाटा टॉपिक है, ठीक है। इसी प्रकार मैं सभी सब्जेक्ट्स के जो डाटा वीडियो जो है वो डेली के डेली अपलोड करता रहूँगा और आप लोग जो है उसको जो डाटा देखते रहिए और उसे जो है शेयर भी करते रहिए, ताकि जो डाटा ये वीडियो जो है वो लोगों के पास पहुँचता रहे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है जेंडर। व्हाट इज जेंडर? द जेंडर क्या चीज़ होता है? द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल और जो डाटा फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। यानी जेंडर जो मेल और फीमेल सेक्स को जो है वो डिनोट करता है, उसे जो है वो जेंडर कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात आती है, जेंडर कितने प्रकार का होता है? तो जेंडर जो है जनरली जो है चार तरह के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जो मेल सेक्स को प्रदर्शित करता है, फीमेल जो है वो फीमेल सेक्स को डिनोट करता है, कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों सेक्स को डिनोट करता है, जैसे बेबी हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्रोफेसर, जो कि दोनों हो सकते हैं, बेबी मेल बेबी, फीमेल बेबी, स्टूडेंट मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, प्रोफेसर जो कि मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। इसी प्रकार चौथा जेंडर आता है न्यूट्रल जेंडर, जो कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जो डाटा डिनोट करता है। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब निर्जीव वस्तुएँ, जैसे ट्री हो गई, ट्री को हम जनरली जो है निर्जीव ही मानते हैं, वैसे तो ये सजीव होता है, लेकिन हम इसको जो है जनरली जो है निर्जीव की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसलिए इसे न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। इंकपॉट हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब हम कुछ वर्ड्स को जो है सीख लेते हैं और कुछ टफ वर्ड्स को जो है मैंने सेलेक्ट किया है उसे हम देख लेते हैं। मैस्कुलिन, नेफ्यू, नीश, बैचलर जो कि अविवाहित होता है, स्पेस्टर अविवाहितिन होता है, मेड भी कहा जाता है इसे, बोर जो कि सुअर होता है, शो सुअरिन होता है, मॉन्क भिक्षु, नन, विडोअर विडो, ब्राइडग्रूम जिसे दूल्हा कहा जाता है, दुल्हन ब्राइट, जेंटलमैन लेडी, लैड जिसे लड़का कहा जाता है, लैस जो कि लड़की होती है, लवर प्रेमी, बिलव्ड बिलव्ड जो कि प्रेमिका होती है, विजर्ड जादूगर, बिच जादूगरनी, स्टैग हिरन इसका फेमिनिन होगा, हिंट गैंडर हंस को कहा जाता है, ट्रैक जो कि नर बतख होता है, कोल्ट जो कि घोड़े के बच्चे को भी बच्चे को कहा जाता है, या इसे बाछा भी कहा जाता है एक प्रकार से, बक नर खरगोश को कहा जाता है, फॉक्स लोमड़ी, राम जिसे भेड़ा भी कहा जाता है, यू जिसे भेड़ी कही जाती है, वैगन सामंत को कहा जाता है, मास्टर, हाँ यहाँ पर मास्टर जो है मिस्ट्रेस भी होता है और मास्टर जो है मिस भी होता है, तो यहाँ पर जो पहला मास्टर जो मैंने लिखा है वो स्वामी और शिक्षिका के लिए जो डाटा प्रयोग किया जाता है, तो मिस्ट्रेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वामिनी और शिक्षिका, ठीक है, और मास्टर जो है यहाँ शिक्षक के लिए और स्वामी के लिए उपयोग होगा, ठीक है, यूज होता है। मास्टर जो है दूसरा वाला मास्टर जो है ये एक स्पेशल शब्द के लिए जो डाटा प्रयोग किया जाता है। मास्टर जैसे हम पूछते हैं कि किसी पिक्चर में या मूवी में देखते हैं मास्टर बोला जाता है बच्चे को, तो लड़के के लिए जो डाटा प्रयोग किया जाता है, और उसमें जो यदि लड़की को बोला जाएगा तो मिस बोला जाता है, ठीक है। अब मार्क्विस आ गया, इसे सामंत बोलते हैं, सुल्तान सुल्ताना, एग्जीक्यूटर जो संपादनकर्ता होते हैं, एग्जीक्यूट्रिक्स, ही कैट, यहाँ पर कैट जो होता है ये ही लगा के, ऐसे प्रकार कैमल में ही लगा के, एप में ही लगा के जो डाटा प्रयोग करते हैं, और ही म्यूल जैसे ये म्यूल है तो ही लगा के, इसी प्रकार इसका फीमेल जो है सी सी लगा के जो डाटा हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ड्रोन जो होती है नर मधुमक्खी को कही जाती है, बी जो होती है मादा मधुमक्खी होती है, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो जो कि गौरैया होती है, इसमें कॉक लगा के और इसमें हैन लगा के जो डाटा फीमेल बना देते हैं, ये याद रखिएगा। जैक एस गधा, जेनी जैक जेनी याद रखिएगा, इसमें एस के केस में जैक और जेनी याद रखिएगा। एबोट जो होता है वो क्या होते हैं, एबोट
एबॉट जो होते हैं वो किसको बोलते हैं, गुरुद्वारा का महंत जो होते हैं उन्हें जो है एबॉट कहा जाता है, जो कि मठाधिकारी भी कहे जाते हैं एक प्रकार से। एबेस जो होती है वो मठाधिकारिणी कही जाती हैं, ठीक है। बुलक जो होता है बाछा बोला जाता है, हीफर जो होती है बाछी होती है जो कि फीमेल है। हार्ट जो होता है ये हिरन को बोला जाता है, और रो जो होती है हिरनी को बोली जाती है। फ्रायर जो कि एक सन्यासिनी सन्यासी, और नन को जो सन्यासिनी बोली जाती है। फ्रायर को महंत भी कहते हैं, नन को महंतनी भी कहा जाता है। स्वैन गडेरिया इसको युवा आदमी भी बोल सकते हैं। निम्फ जो है ये गडेरिन या युवती बोली जा सकती हैं। मरमैन समुद्री आदमी, मरमेड का दो नाम आपने सुना ही होगा कि समुद्री जो औरतें होती हैं या समुद्री जो भी आप देखते हैं जो लड़की की तरह होती हैं, ठीक है। वायसराय जो राज्य प्रतिनिधि पुरुष होते हैं जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार यदि फीमेल में है तो वायसरीन बोली जाती हैं। बोटेरी भक्त जो होते हैं उन्हें बोटेरस भक्तिन। एलिफेंट में जो है हम बुल का उपयोग करते हैं, और एलिफेंट यदि फीमेल में होती है तो उसमें हम काऊ का प्रयोग करते हैं। गोट बिल्ली नैनी इसमें हम याद रखेंगे, यह पोएम में बचपन में हम देखते थे कि भाई बिल्ली एंड नैनी का जो पोएम देखते थे, ठीक है, तो इसमें हम बिल्ली और नैनी याद रखेंगे। टॉम कैट टैबी ये भी कई बार हमने सुना है। प्रोप्रेटर जो कि प्रॉपर्टी का रखवाला होता है, प्रोप्रेटरेस, ठीक है। स्टीयर स्टीयरेस सेल्समैन सेल्सगर्ल। ट्यूटर गवर्नेस, ट्यूटर जो पढ़ाने वाला होता है उसी का यदि फीमेल में पूछा जाए तो गवर्नेस है, याद रखिएगा। चेयरमैन चेयरपर्सन। स्पोक्समैन स्पोक्स पर्सन, ओके। अब इसमें कुछ रूल्स भी हैं या नियम जो हैं जो जेंडर के लिए जो है आपको याद रखने होंगे। इसमें पहला रूल आता है कुछ नाउन जो होते हैं जो कि सुंदरता महानता उदारता और गुण को प्रदर्शित करते हैं। नाउन्स डेनोटिंग ब्यूटी ग्रेसफुलनेस जेंटलनेस वर्च्यू एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज फीमेल जेंडर, यानी फेमिनिन जेंडर, ओके। इसमें द मून जो है वो फीमेल ये ब्यूटी को जो लगा इसमें दिखा रहा है, इसलिए इसमें जो है फेमिनिन जेंडर बताया गया। द अर्थ फीमेल जेंडर को जो लगा बताता है फीमेल जेंडर को। नेचर फ्लैटरी जो कि वर्च्यू होता है। स्प्रिंग वर्चू, वर्चू खुद ही एक गुण है। ह्यूमिलिटी जो कि गुण को बता रहा है। पीस रिवर नेशन सिटी ट्रूथ मॉडेस्टी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक, दूसरा है द मून सेड इट्स लाइट ऑन द बैंक, ओके। इसमें यहाँ पर फीमेल जेंडर की तरह जो डगा कंसीडर किया है क्योंकि ये जो है ये ब्यूटी बता रही है, ठीक है ठीक है। और दूसरा जो है ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर इट्स दिया हुआ है जो कि न्यूट्रल जेंडर बता रहा है जो कि गलत है बिकॉज यहाँ पर ये फेमिनिन जेंडर की तरह कंसीडर किया गया, ओके। रूल टू पर आते हैं। कुछ नाउन होते हैं जो कि शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, दृढ़ता को प्रदर्शित करते हैं और ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, तो वो जो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर की तरह जो है वो ट्रीट किए जाते हैं जो कि स्ट्रेंथ फर्मनेस और एनर्जी को डिनोट करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस सन जो कि अपनी स्ट्रेंथ को बता रहा है, जैसे वहाँ पर द मून देखा था हमने तो वो अपनी ब्यूटी को बता रहा था, ठीक है। टाइम जो है ये एक क्या होता है फर्मनेस को बता रहा है कि भाई ये दृढ़ है टाइम रहेगा। डेथ भी दृढ़ है, विंटर दृढ़ है। विंड जो है वो एनर्जी को बता रहा है। समर जो है वो दृढ़ है कि आएगा। थंडर ये भी जो है अपनी दृढ़ता को बता रही है। ओशन ये भी मान अपनी दृढ़ता को बता रही है। लव वार वाइन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, दूसरा है द सन शॉट हर ब्राइट रेज। तो अभी हमने मैंने बताया था कि सन जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये पहला सही हो जाएगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, दूसरा है डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। तो डेथ जो है ये फर्मनेस को दिखा रहा है कि मौत आएगी भाई सभी को आएगी, तो ये दृढ़ है, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट हुआ। दूसरा जो है हार्ट लगा के ट्रीट किया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरे रूल पर आते हैं। सम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस आर यूज्ड एज कॉमन जेंडर, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस होते हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में जो है अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्रोनाउंस और नाउंस के जो है मैं फुल वीडियोस बनाऊंगा और उसको अच्छे से क्लियर करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं,
टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस सभी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जान लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस आर यूज्ड एज कॉमन जेंडर, और वो सेंटेंस में हैं जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही यूज होंगे। कि यदि मेल सेक्स है तो ही हिम हिज हिमसेल्फ की तरह यूज होंगे, और यदि फीमेल सेक्स है तो वो फेमिनिन जेंडर की तरह यूज होंगे, जैसे सी हर हरसेल्फ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसे एग्जांपल देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस कौन कौन से हैं इसमें, ईच एवरी ईदर नीदर एट्सेट्रा। ओके, सो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, नीदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी। सेकंड है, नीदर ऑफ देम हैज डन इट्स ड्यूटी। तो इसमें बताइए पहला जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट हुआ है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन जो है वो मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट होगा, और दूसरा जो है न्यूट्रल जेंडर बता रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, रूल नंबर 4 पर आते हैं। इसमें जो है कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जो कि कॉमन जेंडर की तरह जो रहेगा ट्रीट होते हैं, बट सेंटेंस में जो है अकॉर्डिंगली यूज होते हैं। यानी मेल सेक्स है तो मेल के हिसाब से यूज होगा, और फीमेल सेक्स है तो उसके हिसाब से, जैसे हर में चेंज हो जाएगा, हर सेल्फ में चेंज हो जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से हैं जो कि कॉमन जेंडर की तरह जो है यूज होते हैं। एग्जाम्पल है एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, Somebody, anybody, nobody, okay? So इसमें एग्जाम्पल जो है देखते हैं, no one should quarrel his mother, तो ये जो है राइट हो जाएगा, और रॉन्ग जो है वो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूट्रल जेंडर बता रहा है, इट्स बता रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 5 पर आते हैं, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज एज जो रहेगा न्यूट्रल जेंडर ऑलवेज, मतलब सदियों जो है वो न्यूट्रल जेंडर की तरह ही यूज होते हैं। इसमें एवरीथिंग, समथिंग, एनी थिंग, नथिंग एट्सेट्रा। ओके, सो इसमें पहला एग्जाम्पल देते हैं, एवरी थिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। दूसरा है, एवरी थिंग शुड हिज ऑर्डर। तो इसमें जो है एवरी थिंग जो है इंडेफिनिट जो है प्रोनाउन है, लेकिन जो है ये ऑलवेज जो है न्यूट्रल जेंडर की तरह ही यूज होता है, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ रूल्स थे जो कि जेंडर से रिलेटेड थे, इसे बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ भी दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों अगली वीडियो में मैं जो है इसके कुछ क्वेश्चंस जो लगा कराऊंगा, जिससे कि आपका जेंडर जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाए, ठीक है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उसे भी आप ज़रूर बताएं, कि धीमा करना है, तेज करना है, या कैसे बोलना है, ठीक है। तथा इस चैनल को जो है आप रेगुलर देखते रहिए, ताकि आपको जो रहेगा न्यू जो रहेगा वीडियोस मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन जो रहेगा ज़रूर दबा दें, और बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल जो ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे जो रहेगा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय।